अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैमरामैन यूसुफ बुखारी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट किरण खान, और आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, बचपन की शरारतें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। तो लोगों से पूछते हैं उनके बचपन के बारे में, आइए चलते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बचपन की शरारतें। तो आप मुझे ये बताएं कि बचपन में आपकी कौन सी ऐसी शरारत थी जिससे अम्मी से मार पड़ी थी? मिट्टी खाना। मिट्टी खाना सही। अच्छा, कभी ऐसा चांस हुआ कि आप किचन में गई हैं, आपने कुछ ऐसी उटपटांग हरकतें की हैं जिससे मार पड़ी हो मामा से? आटा निकाला था, वो पूरा गिरा लिया था अपने ऊपर, तो वो पूरा सफ़ेद हो गया था, तो फिर मामा ने पूछा। प्लीज़ आप लोग सब फोकस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें, ये बहुत अच्छा चैनल है, सब देखें और सब अपने व्यूज़ जो हैं इधर सब अपने दें। बहुत मज़ा आया हम लोग को इधर इनसे बात करके। आप लोग प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। वो हमारे रावलपिंडी के एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं, सज्जाद महमूद। आप घर से जब स्कूल जाने के लिए ना जाने के लिए कोई बहाना करते थे, वो क्या बहाना था? बहाना ये होता है कि तबीयत ठीक नहीं है, मतलब पेट में दर्द हो गया या बुखार हो गया, उसकी वजह से स्कूल ही जाना। तो कुछ कहना चाहेंगे अपने बचपन के बारे में? जी जी, बस बचपन में इतना शरारती तो नहीं था, बाकी जो है एक्टिंग वगैरह का, सिंगिंग वगैरह का शौक था। मुलाकात हो गई जिससे डरते थे, वही बात हो गई। ला 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 ला। इश्क के नाम से डर लगता था, इश्क के अंजाम से डर लगता था, इश्क के नाम से डर लगता था, इश्क के अंजाम से डर लगता था। आशिकी वही मेरे साथ हो गई। शाहरुख खान। आई लव यू किरण। अरे हर घर जीतने वाले को बाजी घर कहते हैं। अरे सिमरन सिमरन प्लीज 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 प्लीज। अरे ये बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें, ये शीतल है ना, अरे ये लड़की ठीक नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ इससे मिलना जुलना छोड़ दो। अरे ठीक कहता है, अरे जा चला जा, ऐसा लड़का तेरे को नहीं मिलेगा। अरे पूरे बम्बई में तो क्या, पूरे हिंदुस्तान में छान मारेगी, जा चले जा चले जा। अरे बाबूजी बोलते हैं जा चले जा चले जा। अरे अपन तो तारा तेरे साथ जाएगा क्या, अरे अखा बम्बई जानता है अपन, राम जाने क्या। आओ अरे दिल जले, अरे लाले, अरे यहाँ तो सभी दिल जले हैं। अरे काका भी पहाड़ भी मुँह खोला। अरे ससुरे को बोलने के लिए आवाज़ चाहिए, ये ससुरा तो गूंगा है, आवाज़ कहाँ से लाएगा। यकना बदो यकना सही। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मुल्क हालात, पहले तो मैं इन बच्चों पे तवज्जो दूंगा, इनकी तालीम पे, इनकी क्वालिफिकेशन पे, कहीं ये तालीम से महरूम ना रह जाए। फोकस एंटरटेनमेंट को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बताएं कि जब आपका बचपन में नाक बहता था तो क्या सीन होता था आपका? नाक बहता था तो वही सीन होता था जो सबका होता है, बह रहा है और बह रहा है। साफ नहीं करती थी? ऑब्वियसली करती थी कि आपको कुछ नजर आ रहा है। मामा से मार कैसे पड़ती थी? ऑब्वियसली थप्पड़। आपके बचपन की ऐसी कौन सी शरारत थी जिससे घर वाले बहुत तंग थे? मेरी शरारत तो ये होती थी कि बस हम लड़ मतलब गेम खेलते थे, घर को लेट आते थे, बच्चों के साथ हमारी पिटाई होती थी, मतलब बचपन में कंचे खेलते थे। कंचे हाँ, बहुत पहले खेले हैं, 2-3-4 साल की उम्र में मैंने कंचे खेले हैं। और कितने जमा किए हैं? जमा कितने किए हैं, वो तो पॉकेट भरी होती थी जब रात को आता था। तो वो कहाँ गए सारे? वो सब पता नहीं कहाँ गए, कुछ पता ही नहीं, वो जैसे जैसे बड़े होते गए कंचे गायब होते गए। हमारे साथ बड़ा अहमद हैं शाम से, और इनके साथ इनकी फैमिली है, और ये आपको अरबी में ही जवाब देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बड़ा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। انا من سوريا انا جيت الى باكستان لكي ادرس هنا انا ادرس في جامعه لاهور يو اي تي الحمد لله تخرجت من الهندسه المدنيه وصار لي الان في باكستان 5 سنوات
ये बताओ अपने बचपन के बारे में हमारे से क्या शेयर करना चाह रहे हो? अब बचपन को छोड़े टीवी पे लाइव आएंगे हम? जी बिल्कुल लाइव आएंगे। ओए अम्मी अब फोन करो, लाइव आ रहे हैं, जल्दी कर। आते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे अपनी अम्मी अबू को। जी स्क्रीन पे मैं यही दूंगा कि तासुमा टीवी को गोरम मौजबा फेमस हम गोरी। हाँ जी क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि हम क्या कहें भाई आप ये सब फोकस चैनल आपको एंटरटेनमेंट दिखा रहे हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बहुत ही अच्छा चैनल है। सब्सक्राइब होता है और आपको खूब मजा आएगा, आप बहुत हैप्पी होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फोकस एंटरटेनमेंट।